तो इमरान खान और वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की मुलाकात की अंदरूनी कहानी पंजाब में पावर शेयरिंग के तमाम अमूर को हतमी शक्ल दे दी गई। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का हर सियासी चैलेंज कामिल कर मुकाबला करने पर इत्तफाक किया गया, जबकि इमरान खान ने पंजाब के इंतजामी मामलात पर चौधरी परवेज इलाही के इकदामात को भी सराहा। तो इसी मुलाकात बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दौरे लाहौर के दौरान आज वजीर आला पंजाब से परवेज इलाही और तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की पीटीआई की दीगर क्यादत के साथ दो घंटे तफसीली मुलाकात हुई है, जिसमें सियासी सूरत हाल, आडियो लीक्स और अवामी फलाह के मनसूबों पर तफसीली बातचीत की गई। अंदरूनी कहानी के मुताबिक मुस्लिम लीग कायद आजम और तहरीके इंसाफ ने जो है वो सियासी चैलेंजेस पर मिलकर जो है वो मुश्तरका तौर पर इन चैलेंजेस का मुकाबला करने पर इत्तफाक किया है, जबकि पंजाब में पावर शेयरिंग के तमाम अमूर को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। जब इमरान खान और वेलाई की मुलाकात की क्या के साथ खत्म हुई, तो उसके बाद एक और मुलाकात का वजीरा पंजाब की वेजाई सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल और इमरान खान का हुआ, जिसमें पंजाब में तमाम पावर शेयरिंग के जो मामला थे उन पर तफसीली लाया अमल तय किया गया। इस मुलाकात में इमरान खान ने वाज तौर पर जो है मुख्तर मुद्दत में सूबे के अवाम की फलाह के लिए किए गए इकदाम की जो चुनपुर वेलाई ने की उसकी तारीफ की, और बिलखसूस जो तालीमी इदारों को मनसिया से पाक करने के लिए नई कानून साजी है उस पर इमरान खान ने कहा कि वेल्डन साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नई नस्ल को तबाही से बचाने के लिए आपका ये कदम हमेशा याद रखा जाएगा। मुलाकात में चीफ वेलाई ने बताया कि वर्ल्ड बैंक ने भी मनसियात के खिलाफ मंसूबे को फंड देने की यकीन दहानी करवाई है। इस मौके पर ऑडियो लीक के हवाले से भी जो है वो गुफ्तगू होती है, जिसमें इमरान खान का वाज तौर पर कहना था कि शरीफों का जो है वो चेहरा खुलकर इन ऑडियो लीक में सामने आ रहा है कि ये किस तरह बंद कमरों में बैठकर साजिशें करते हैं। फिर तहरीक इंसाफ और काफी की क्यादत का कहना था कि हम हर सियासी चैलेंज का मिलकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, और इमरान खान जो कि जिस वीएम से जो है अवाम की सलाह और रिलीफ चाहते हैं उसी वीएम और फलाही इकदाम पर चला जाएगा। इमरान खान को यह बताया गया कि पंजाब के तमाम जो हॉस्पिटल हैं उनकी छतों पर सोलर लगाने का फैसला किया गया, ताकि अस्पतालों को जो है वो सोलराइज किया जाए। इस मनसूबे पर जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब के तमाम इंतजामी अमूर भी हुए, लेकिन जो डॉक्टर यासमी राशिद से बिलखसूस जो है इमरान खान ने डेंगू की पंजाब में सूरत हाल के हवाले से इस्तफसार किया, और डॉक्टर यासमी राशिद ने बताया कि लाहौर समेत पंजाब में डेंगू के इंसदाद के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। इमरान खान ने जेर तमीज जो मदर एंड चाइल्ड अस्पताल है पंजाब में उनमें गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और रिपोर्ट मांगी कि ये मंसूबे कब तक मुकम्मल हो रहे हैं, जिस पर डॉक्टर यासमी राशिद की तरफ से बताया गया कि ये मंसूबे अक्टूबर के वक्त में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके मुकम्मल होना शुरू हो जाएंगे। तो यूं आज तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की मुश्तरका तौर पर ये एक मुलाकात थी, जिसमें तफसीली तौर पर पावर शेयरिंग और जो सियासी चैलेंजेस है इनके हवाले से हिकमत अमली को मिलकर जो है वो अडॉप्ट करने पर इत्तफाक किया गया। जी, तो बहुत से अहम अमूर जो हैं वो इस मुलाकात में ज़ेरे गौर आए हैं। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे।